अमेज़न पर अपने ड्राइंग को ऑनलाइन कैसे बेचते हैं? अमेज़न पर ऑनलाइन अपने ड्राइंग को बेचने के लिए आपको अमेज़न हैंडमेड पर जाना होता है। आप यहाँ सामने देख सकते हैं, ये हैंडमेड करके है, जो कि अमेज़न का ही प्रोग्राम है। ये हैंडमेड में जब आप यहाँ होम एंड किचन पर आएंगे, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है, यहाँ आर्ट वर्क में पहला ऑप्शन है ड्राइंग्स। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं ये सब ड्राइंग है। ये $115 का है, ये $54 का है, ये $129 का है, ये $54। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ड्राइंग्स हैं जो कि इतने महंगे हैं, 48, 130, कितने कितने डॉलर में है। अब ये जो ड्राइंग है ये $48 का है, मतलब लगभग 3,000 के आसपास का है। ये जो ड्राइंग है ये $98 का है, ये लगभग 6-6,500 का है। तो आप देख सकते हैं ये जो, और इसमें ओनली वन लेफ्ट इन स्टॉक ऑर्डर सोन, मतलब कि ये ड्राइंग ऑलरेडी कई ड्राइंग बिक चुकी है, अभी सिर्फ एक ही बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी आप देख रहे हैं ये सब ड्राइंग्स हैं जो कि हैंडमेड हैं, हाथों से बने हुए हैं, और इनके प्राइस हैं और लोग खरीदते हैं इन्हें। तो आप भी अपना जो ड्राइंग बनाते हैं उसे आप यहाँ पर बेच सकते हैं। आपको अमेजन पर अपना ड्राइंग बनाने के लिए आप सबसे नीचे यहाँ पर आइए, यहाँ पर सेल प्रोडक्ट्स ऑन अमेजन आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर देखिए अमेजन हैंडमेड करके है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ज्वाइन आवर आर्टिशियन ओनली कम्युनिटी ऑफ सेलर्स, यहाँ पर आपको साइन अप करना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है $39.99 ए मंथ प्लस सेलिंग फीस। आप ये सोचेंगे कि साइन अप करने के लिए $39.99 महीना आपको देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्राइजिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर दो प्लान्स होते हैं, इंडिविजुअल प्रोफेशनल। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं तो जो भी आपका आइटम सोल्ड होगा, जो भी आप अपने आइटम को बेचेंगे, उस एक आइटम पर $0.99 का चार्ज अमेजन लेगा आपसे। लेकिन ये जो प्रोफेशनल होता है ये $39.99 पर मंथ होता है, मतलब अगर अमेजन पर आपका प्रोडक्ट हर महीने 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर आपका बिकता है, तो आप इस प्रोफेशनल प्लान को लीजिएगा तो आप फायदे में रहेंगे। लेकिन अगर 40 से कम आइटम अगर आपका बिकता है तो आप ये इंडिविजुअल प्लान लीजिएगा। इस पे आपका जो आइटम बिकेगा उसी पर चार्जेस देना होगा, मंथली चार्जेस कोई नहीं देना होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, चार्जेबल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट इशूड नेशनल आईडी, मतलब कोई आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सब होना चाहिए, टैक्स इन्फॉर्मेशन और फ़ोन नंबर, ये आपके पास होने चाहिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर अप्लाई करने के बाद आपको अमेजन की तरफ से अप्रूवल मिलेगा। अमेजन की तरफ से अप्रूवल मिलने के बाद आप अपने ड्राइंग को अमेजन पर लिस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 7 कैटेगरी मिलेगा। पहला रहेगा टाइटल, टाइटल में आपको 200 कैरेक्टर मैक्सिमम यूज करना है, और जो आपका इमेज रहेगा, जो फोटो आप अपलोड करेंगे, वो 500x500 या 1000x1000 पिक्सल होना चाहिए। तीसरा होता है वेरिएशन, यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर, सेंस, साइज, ये सब बताना है। चौथा होता है बुलेट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स में शॉर्ट, डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस और हाइलाइटेड जो की फीचर होते हैं और जो बेनिफिट हैं वो आपको बताना होता है। पांचवा होता है फीचर ऑफर, मतलब बाय बॉक्स, इसमें आपको ऐड टू देयर कार्ट और बाय नाउ, ये सब आपको ऐड करना है। छठवां होता है अदर ऑफर, जैसे कि जो आइटम आप प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रहे हैं वही आइटम सेम और लोग भी बेचते हैं, तो इसमें आप कोई अदर ऑफर वगैरह अपना लिस्ट कर सकते हो।
और सातवां होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको कीवर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जब कोई सर्च करता है तो आपका प्रोडक्ट वहाँ पर सामने आए। हर प्रोडक्ट पर आपको अमेजन की तरफ से एक प्रोडक्ट कोड मिलता है। उस प्रोडक्ट कोड के ही नेम से अमेजन को ये पता चलता है कि ये सामान किसका है और क्या है। ऑर्डर होने पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, पहला आप खुद उस ऑर्डर को पैक करके भेजें और दूसरा होता है अमेजन फुलफिलमेंट। इसमें अमेजन आपके यहाँ अमेजन का आदमी आएगा और वो आपके सामान को पैक करके वो ऑर्डर लेके जाएगा। ये जो दूसरा ऑप्शन होता है ये बेटर होता है, क्योंकि इसमें पूरी जिम्मेदारी अमेजन की हो जाती है। इसमें अमेजन कस्टमर सर्विस टीम सब कुछ देखती है, सब हैंडल करती है। जैसे कोई क्वेश्चन अगर करता है या रिटर्न है, रिफंड है, ये सभी चीज़ें अमेजन ही देखता है। तो ये दूसरा ऑप्शन परफेक्ट होता है और ज़्यादातर लोग वही यूज़ करते हैं। अमेजन सेलर का एंड्रॉयड और iOS एप्लीकेशन है, जिसे आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके आप अपने बिजनेस को मोबाइल में ही मैनेज कर सकते हैं। मोबाइल से ही अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, फोटो अपलोड कर सकते हैं, ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर से कनेक्ट हो सकते हैं। आपका प्रोडक्ट बिकने पर अमेजन हर प्रोडक्ट के पीछे 0.99 डॉलर का चार्ज लेता है और इसके साथ ही रेफरल फीस भी लेता है, जो 5 से 20% तक होता है, जिससे आप वहाँ अमेजन की साइट पर डिटेल्स में देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने ड्राइंग को अमेजन पर बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसे यूजफुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।